बारिश की बूंदे, भीमी सी हवा, अपने आंगन में या खिड़की के पास, बस यूं ही बाहर देखते रहे, इस रिमझिम सी धुन को सुनते रहे, यही मन चाहता है। स्वागत है सबका रेन लवर शो के एक ब्रांड न्यू सीजन के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त रेन लवर। ये प्रोग्राम एक जरिया है, एक कोशिश है कुछ अपने धुन आप तक पहुंचाने की और कुछ आपकी बातें सुनने की। एंड आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द लव एंड अप्रिशिएशन दैट हैव ऑलरेडी स्टार्टेड पोरिंग इन। एंड टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस इन स्टूडियो। शी इज एन आर्टिस्ट, अ राइटर, अ पोएट एंड हर नेम इज मनीषा। सो विदाउट एनी मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। And this program is sponsored by Singer Hub Media. So Manisha, tell us something about yourself. Hi, जैसे कि आपने मेरा नाम बता दिया है मनीषा। मेरा नाम मनीषा चौधरी है और मैं basically Blue City जोधपुर से belong करती हूँ। जैसा कि आपको पता है जोधपुर अपने आप में कला के लिए मशहूर है राजा महाराजाओं के time से, तो मेरा भी interest कला में कुछ ज़्यादा ही है। Being an artist, I love to sketch, I love to sing, I love to write. तो ये मेरी कुछ hobbies हैं छोटी सी. So here I am. Thank you, Manisha. I appreciate the kind of introduction and thank you so much for being here. और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये program एक जरिया है, एक कोशिश है कुछ अपने धुन अपने listeners तक पहुंचाने की और कुछ हमारे listeners की फरमाइश हमारे show के जरिए अपनाने। So, Manisha, कैसा लग रहा है हमारे शो में आकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज से पहले मैंने कभी ऐसे शोज वगैरह नहीं किए हैं, तो इंडीड ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जाने वाला है ये, आई नो। तो देखते हैं जैसे जैसे आगे का जो सेशन चलेगा देखेंगे। मुझे फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम सुपर एक्साइटेड। सो मनीषा, वी वांटेड टू नो लाइक हाउ यू स्टार्टेड राइटिंग, स्टार्टेड सिंगिंग एंड यू नो जैसे आपका शौक है स्केचिंग, देन हाउ यू गॉट इनटू इट एंड और कैसे आपने शुरुआत की इन सारी चीजों की? पोएट्री ये सब सडन था, पोएट्री वगैरह लाइक स्केचिंग मुझे शुरू से ही शौक था स्केचिंग का। तो आई लव टू स्केच, बहुत सारे मैंने स्केचेस बना रखे हैं, बट पोएट्री बहुत सडन था। एक बार ऐसे ही जस्ट मैं कुछ सोच रही थी एंड सोचते सोचते सडनली मेरे हाथ में पेन था एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। तो वो एक लय बनता गया उसका एंड व्हेन आई जस्ट gone through it, मतलब पूरा मैंने उसको पढ़ा, तो I felt like something very interesting. मैंने कहा ये मैंने लिखा है, I was so surprised. Then I start thinking and ऐसे ही सोचते सोचते बस वो एक लेखक वाली जो भावना होती है वो जागरूक होती गई मेरे अंदर and it was all sudden. और अभी भी यही चल रहा है, बस सोचते सोचते कुछ भी लिख देते हैं तो वो एक बन जाता है बिल्कुल। So, ये था पोएट्री की तरफ से। एंड सिंगिंग का अगर बात करें तो वैसे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गाती मैं, बट हाँ मेरे को शौक है गाने सुनने का, गाने सुनाने का। आई एम अ गुड लिसनर इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सिंगर। मुझे सुनना बहुत पसंद है लोगों को, उनकी नई नई आवाज़ सुनना, उनकी कला को देखना, तो ये चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी लगती है अपने आप में। Oh wow, that's really amazing. So Manisha, as you like sketching, so hum janna chahte hain ki aapko kis tarah ke colors pasand hai aur mostly aap kaun sa color use karte ho aur uske piche ek reason kya hai, matlab what is the reason behind using that particular color? Jaise ek artist ke liye colors sab kuch hai, mera aisa manna hai
अगर कलर्स नहीं है, वैसे एक आर्टिस्ट की बात नहीं, अगर हम किसी इंसान की भी बात करें तो उसकी लाइफ में कलर्स का होना बहुत जरूरी है. बिना कलर्स के लाइफ आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या बिल्कुल कुछ भी उसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा. और बीइंग एन आर्टिस्ट, मेरे को ऑलमोस्ट सारे कलर्स बेहद पसंद है. मैं सारे कलर्स को यूज करती हूँ अपने कैनवस पे, अपने शीट्स पे. बट मुझे सबसे 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 ज्यादा जो कलर पसंद है वो मेरे को वाइट कलर बहुत पसंद है. मैं आपको बताती हूँ क्यों. देखिए, कलर्स अपने आप में बहुत अच्छे हैं. आप किसी भी कलर को देखोगे वो एक अच्छा सा लुक देता है, आपकी आंखों को बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट में लेके जाता है. बट वाइट कलर के साथ में क्या है, अगर आप वाइट को देखोगे तो यू विल फील नथिंग. बट मैं बताती हूँ, वाइट पीस का सिंबल है. अगर आप किसी भी कलर को उस वाइट कलर के साथ में मिक्स करोगे तो वो एक नया कलर बन के आएगा. मतलब वाइट कलर एक ऐसा कलर है जो अपने आप में एक दूसरे कलर को बनाने में सफल रहता है. तो इसीलिए मेरे को वाइट कलर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है. मैं अपने पैलेट पे भी वाइट कलर ज्यादा यूज करती रहती हूँ दूसरे कलर्स बनाने में. तो आई लाइक वाइट कलर मोस्ट. बहुत बढ़िया बात है मनीषा जी. जैसे कि आपने बताया कि आपको सफेद रंग बहुत पसंद है, एंड अगेन अ कलर वाइट इज अ सिंबल ऑफ पीस. आंखों को चुभती भी नहीं है, और कई सारी इसमें कई सारी चीजें होती है, कई सारी बातें होती है जो एक सफेद रंग अपने में समेट लेता है. तो बहुत 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 अच्छी बात है. और मनीषा जी, जैसे आपने की बताया कि आप पोएट भी हैं, आप गाने भी लिखती हैं और आप गाती भी हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि मतलब आप इतना कुछ कैसे कर लेती हैं. मतलब आपने कहीं पे ट्रेनिंग ली है कि खुद से ही आ जाता है आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ट्रेनिंग का ऐसा कुछ नहीं है. जैसा कि मतलब सबको पता है, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है जो गॉड ऑलरेडी आपको गिफ्ट दे के भेजता है. लेकिन होता क्या है, कोई कोई इंसान उसको पहचान लेता है, कोई कोई उसको बंद करके रख देता है. मतलब इस दुनिया में हर कोई कलाकार है, हर कोई. अगर हम छोटे से लेके बड़े तक की बात करें तो हर लोग अपने आप में कलाकार है. बस किसी की निखर आती है तो किसी की बंदिशों में छुप जाती है, वो बात है. तो ऐसा कोई ट्रेनिंग का इसमें कोई वो नहीं है हाथ वगैरह. ये वही है कि मैंने अपनी कला को निखारा है तो वो निखर के आ गई है, बस इतनी सी बात है. बहुत ही प्यारी बात कही है मनीषा जी आपने. मतलब बहुत ज्यादा गहराई है इस चीज में कि कुछ चीजें निखर आती है और कुछ बंदिशों में रह जाती है. मतलब अमेजिंग, आई रियली लव्ड इट. सो मनीषा, आपने हमारे साथ एक आपकी बहुत अच्छी पोइट्री आपने शेयर की है. सो हम चाहते हैं कि हमारे लिसनर्स भी उसको सुने. सो बस मैं अभी प्ले कर रहा हूँ. सो दिस गोज फॉर यू ऑल, एंड दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंगर हब मीडिया. लिसन टू दिस ट्यून. ख्वाबों के बादल में उलझे से लगते हैं हम, ख्वाबों के बादल में उलझे से लगते हैं हम. कोई सुलझाने की तकल्लुफ न करना, बातों की बवंडर में ठहरे से लगते हैं हम. कोई महज इसे धोखा बताने की तकल्लुफ न करना. वक्त बेवक्त के गलियारों में गुम से लगते हैं हम, वक्त बेवक्त के गलियारों में गुम से लगते हैं हम. कोई रास्तों से मंजिल को बताने की तकल्लुफ न करना. चली जाऊंगी खुद ही बेनिशा बन के एक दिन, चली जाऊंगी खुद ही बेनिशा बन के एक दिन. कोई मुझे मुझसे मिलाने की तकल्लुफ न करना, कोई मुझे मुझसे मिलाने की तकल्लुफ न करना. Welcome back to the show. So Manisha, that was a really fabulous composition. Aapke words and amazingly aapne jo usko render kiya, and it was an amazing poetry been done by you. So we enjoyed listening to it.
And for all my listeners, whosoever is listening to this episode, do check the description. Manisha ke social handles mentioned hai. Do follow her. Do follow me. And agar aapko kuch ऐसे ही पोएट्री सुनने का मन है या आप अपने कुछ नगमे या कुछ आपके आपकी बातें सुनाना चाहते हैं, आपके कंपोजिशन सुनाना चाहते हैं, तो डू फॉलो मी ऑन माय सोशल और आप मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे भेज सकते हैं एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि उसको मैं अपने शो में होस्ट करूं. और जैसे भीगी मौसम की भीगी शुरुआत, भीगी सी याद, भूली हुई बात, वो भीगी सी आंखें, वो भीगा हुआ साथ, मुबारक हो आज आप सबको ये खूबसूरत बरसात. सो इसी के साथ मनीषा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जोधपुर का मौसम कैसा है, मौसम के क्या हाल है, बारिश हो रही है कि नहीं? सो प्लीज. फिलहाल तो यहाँ बहुत गर्मी है जोधपुर में, और जैसा पता है राजस्थान मतलब धरती ढोरों की, तो यहाँ पे गर्मी रहती ही है उतनी, तो अभी भी बहुत गर्मी है, बारिश बहुत कम है यहाँ पर, बट आई विश के बारिश हो जाए. बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, बारिश तो होगी और बहुत जम के होगी. जैसे एक बहुत अच्छी सी शायरी है कि ऐ बारिश जरा थम के बरस, मेरा यार आ जाए फिर जम के बरस, पहले ना बरस कि वो आ ना सके और फिर इतना बरस कि वो जा ही ना सके. सो इसी के साथ बहुत अच्छी बात कही है आपने, और आपकी पोइट्रीज हम सुन रहे हैं, हमारे लिसनर्स भी सुन रहे हैं, और आशा करते हैं कि बहुत जल्द बारिश हो और कुछ ऐसा बरसे कि बस बरसता ही रहे, बरसता ही रहे. सो मनीषा, फॉर टुडे हमारे सारे लिसनर्स के लिए, और एज यू आर देयर इन द स्टूडियो, सो वी जस्ट वॉन्ट कि आप अपने अंदाज में और लाइक यू नो कुछ समथिंग, आपका आपके कुछ खुद की लाइनें अगर आप हमारे लिए कुछ यहाँ पे अगर आप बोल सको, कुछ रिसाइट कर सको, तो दैट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग. ठीक है, कुछ थोड़ा सा मैंने लिखा है अभी, इट्स जस्ट रैंडम, इट्स लाइक इंस्पिरेशनल लाइंस है. ओके, Here I go. निखार ले खुद को जमाने के सामने, निखार ले खुद को तू जमाने के सामने, कोई जलेगा तो कोई खिलेगा तुझसे, कोई जलेगा तो कोई खिलेगा तुझसे, कदम डगमगाएंगे तो रखना हौसला खुद पे, कदम डगमगाएंगे तो रखना हौसला खुद पे, तू चलेगा तो ही खिलेगा जहां में, तू चलेगा तो ही खिलेगा जहां में, बस. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग. ये आपने अभी लिखा है? हाँ, ये रैंडम था, ये जस्ट अभी लिखा मैंने. क्या बात है, कैसे कर लेते हो आप, एक सुपर पावर है आपके अंदर. रैंडम थॉट्स, यू नो. अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया. So, आजकल का जो सिचुएशन चल रहा है, बेसिकली पूरा का पूरा वर्ल्ड एक्चुअली इस बहुत ही अलग ही लेवल के मतलब सिनेरियो से गुजर रही है. जैसे कि पता ही है कोरोना वायरस का सीन कुछ ज्यादा ही इम्पैक्टफुल होने लगा है आजकल, और सुनने में आया है कि ये अभी एयरबॉर्न भी होने लगा है. तो आपके आपके क्या विचार है इस चीज पे, क्या कहना चाहते हो आप? अभी तो बहुत ज्यादा है ये वायरस का जैसा, और इनिशियली लोगों में डर था, लेकिन अब मैं जैसे मैं अपनी सिटी की बात कर रही हूँ, तो जब केसेस आने स्टार्ट हुए थे तो राजस्थान इज ऑन हाई, और अभी भी हाई है बहुत, तो बट यहाँ लोगों को अब डर नहीं रहा, जो पहले डर था उनके मन में वो अब उनको डर नहीं रहा. यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कोरोना उनके एक डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है. दे आर डूइंग देयर स्टफ्स, दे आर डूइंग देयर रेगुलर रूटीन, उनका चल रहा है. तो मैं अभी जब सबको देखती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि ये लोग कैसे सेफ रहते हैं, गॉड नोज, बट आई विश कि सब लोग सेफ रहे, सब अपना ध्यान रखे. अब इसका वैक्सीनेशन पता नहीं कब आएगा, डोंट नो, बट आई विश बहुत जल्दी आ जाए, और जो लोग सेफ है वो सेफ रहे, और जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं वो जल्दी से ठीक हो जाए, बस. और मैं क्या विश कर सकती हूँ, दिस इज़ ऑल आई विश अबाउट.
क्योंकि जितना ही ज्यादा ये कंटीजियस होता जा रहा है लेकिन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है. बिल्कुल नहीं. राइट. लोग बिल्कुल ज्यादा लाइटली ले रहे हैं. नॉर्मल जैसा रूटीन है तो मतलब ऐसा कह सकते हो कि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है उसको. उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ठीक है चल रहा है. पहले जो डर था वो डर अब नहीं रहा, ये कहना चाह रही हूँ. बिल्कुल सही बात है. लेकिन लोगों को थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए इस चीज को लेके, क्योंकि ये मतलब एक ऐसा जरिया बन चुका है कि यार ये मतलब बस खत्म ही कर रहा है, दुनिया खत्म कर रहा है ये एक तरफा. बिल्कुल. और लोगों को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है. जब भी ये स्टार्ट हुआ था, मतलब जब यूरोपियन कंट्रीज में हुआ था, चाइना में हुआ था, मतलब बहुत बड़ी मारामारी फैल गई थी. और धीरे धीरे ये चीजें कुछ उसी तरफे ही जा रही है, लेकिन हमारे भारत में लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा. सो आई रिक्वेस्ट ऑल माई लिसनर्स कि जब जरूरत पड़े और वेन इट इज रियली इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा, देन प्लीज गो आउट ऑफ योर हाउस. बट प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना बिल्कुल जरूरी है. यू शुड वेयर अ मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, जिन चीजों की जरूरत है आपको प्रोटेक्ट रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, अब प्लीज वो सारे सेफ्टी मेजर्स प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए. और जब बहुत ही ज्यादा जरूरत है तभी घर से निकलिए और सेफ रहिए, क्योंकि अगर आप सेफ रहोगे तभी आपकी फैमिली सेफ रहेगी. एक छोटी सी गलती की वजह से पूरी फैमिली, पूरी पूरी आपकी सोसाइटी मुश्किल में पड़ सकती है. और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सबसे, प्लीज मेक योर इम्यून सिस्टम मच बेटर सो दैट यू हैव दैट करेज टू फाइट विद द कोरोना वायरस. बिल्कुल. सो हमारी बातचीत को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. मनीषा जी, तो आप बताइए, आपने अपनी ये लेखक बनने की, अपनी पोएट्री की शुरुआत कब से की? हार्डली मुझे आई गेस अ ईयर हुआ है, एक साल से ज़्यादा नहीं हुआ मेरे को. मैं लिख रही हूँ, एक साल हो गया मेरे को लिखते हुए. कुछ ऐसी राइटिंग्स है जो मैं लिख के सिर्फ वो मेरी डायरी में ही बंद रह जाती है. कुछ ऐसी राइटिंग्स है जो मुझे लगता है कि हाँ इनको सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखना चाहिए, तो मैं उनको शेयर कर देती हूँ. व्यूज आते हैं, अप्रिशिएशन आते हैं बहुत सारे, तो इट फील्स गुड कि हाँ लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग उस चीज़ को पढ़ रहे हैं. तो एक वो आप में और कॉन्फिडेंस आता है दैट यस आई कैन डू बेटर. तो वो धीरे धीरे चल रहा है, तो देखते हैं कब तक चलता है ये मेरा पोएट्री वाला. लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. हम चाहते हैं कि ये चीज आपकी चलती रहे, बढ़ती रहे और एक ऐसी मुकाम पे पहुंच जाए कि वहां से घूम के देखने का कोई चारा ही ना बचे आपके पास. क्योंकि जिस तरह की बातें हमने आपसे सुनी हैं और आपके जो आपके लिखे हुए, आपकी पोएम्स, आपके लिरिक्स हमने पढ़े हैं, हम चाहते हैं कि हमारे लिसनर्स तक भी ये चीजें पहुंचे. और क्योंकि हमारा सोचना ये है कि पोएट्री हो गई, शायरीज हो गई, मतलब एक ऐसी चीज होती है जो जिंदगी जीने का एक नया तरीका बताती है, एक अलग ही अंदाज में, एक अलग ही जरिया देती है ये. क्योंकि जो इंसान एक लेखक होता है, एक पोएट होता है, उसको जिंदगी का तजुर्बा उससे अच्छा किसी को नहीं पता. ये मेरा सोचना है. बिल्कुल. आपका क्या कहना है इसके बारे में? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. जो एक लेखक होता है उसका जिंदगी देखने का नजरिया एक आम आदमी के जिंदगी के देखने के नजरिए से थोड़ा अलग होता है. मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरा अलग होता है, थोड़ा अलग होता है. लेखक जो होता है वो अपने ख्याल खुद बुनता है, अपने ख्याल से लिखता है, और जो लिखता है उसको पूरा फील करके लिखता है. चाहे वो घटना उसके साथ में घटी हो नहीं घटी हो वो अलग बात है. मैंने बहुत लोगों को, जब मैं अपनी राइटिंग्स पोस्ट करती हूँ, आई यूजुअली राइट सैड जो शायरियाँ होती है वो, या हार्ट ब्रोकन जो शायरियाँ होती है वो, तो लोग मेरे से पूछते हैं कि गुजर चुके हो इसलिए लिख रहे हो. मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको लगता है कि जो
जो शायर है या जो कवि है वो जो चीज लिख रहा है वो उससे गुजर चुका है, तो ये आप गलत सोचते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो थॉट्स है ये कवि के शायर के अपने आप मन में आती है, अपने आप दिमाग में आती है। ऐसा नहीं है कि वो उस चीज से निकल चुका है इसलिए वो दिल टूटा आशिक है या उसके साथ कुछ हो चुका है इसलिए वो ऐसे लिख रहा है। ये सब गलत है, ये सोचना एक बहुत ही गलत चीज होगी। तो कवि जो होते हैं या शायर जो होते हैं वो जो भी लिखते हैं वो उस चीज को फील करके लिखते हैं, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी। बहुत अच्छी बात कही है आपने, बहुत ही अच्छा लगा सुन के आपके साथ बातचीत करके। और अंत में हम आपसे कुछ दो लाइनें और सुनना चाहेंगे, हमारे लिसनर सुनना चाहेंगे, तो प्लीज मनीषा जी कुछ दो लाइनें हमारे लिए। मैं जो एंडिंग है वो आपकी मैं एक सॉन्ग से करना चाहूंगी। मेरा बहुत फेवरेट और मेरा बहुत ही दिल के करीब है ये सॉन्ग, सो मैं इसी से करना चाहूंगी। हर शाम आँखों पर तेरा जल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेती हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहते। Thank you so much. Thank you, Manisha. And this was really amazing. आपकी आवाज बहुत 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 प्यारी है. So keep singing and keep tuning. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए. और हमारी जर्नी यहीं पे खत्म नहीं होती है. So बहुत जल्द आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी. तो मनीषा जी शुक्रिया जी, बेहद तहे दिल से. और बहुत अमेजिंग था ये शो. एंड आई वॉन्ट ऑल माई लिसनर्स टू check out her social profiles, link in the description. She's available on Facebook, Instagram, aur jahan jahan chaho aap wahan dhoond sakte ho. You have to just search for Manisha Chaudhary. So thank you so much, and do check out the Singer of Media website, www.singerofmedia.com. follow them on socials at Singer Hub Media, Instagram pe ho ya Facebook pe ho. So check out their upcoming and ongoing contest. It's really amazing, really interesting, and you can be a part of it anytime. Just go and check it out. और उसके अलावा सुनते रहिए, सुनाते रहिए और खुश रहिए. कोरोना वायरस का दिन चल रहा है, घर पे रहिए, सेफ रहिए और सतर्क रहिए.